आलिया भट्ट ने बताया अपने सबसे बड़े सपने के बारे में। कहा ज्यादातर लड़कियों के लिए यह शादी होती है, मेरे लिए ऑस्कर जीतना था। जी हाँ, आलिया भट्ट ने एक बार अपने बड़े सपने के बारे में बात की थी। इसमें उन्हें ऑस्कर में पुरस्कार प्राप्त करना और मंच पर भाषण देना शामिल था। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर लड़कियों के अपोजिट जो अपनी शादी के दिन का सपना देखती हैं, वह ऑस्कर के बारे में सपने देखती हैं। आलिया पति रणबीर कपूर के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही है। अभिनेताओं ने इस साल की शुरुआत में शादी की और वर्तमान में अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रचार कर रहे हैं। बता दें ये फिल्म 9 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आलिया ने साल 2016 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सिर्फ उस दिन के बारे में सोचती हूँ जब मैं लोगों के सामने खड़ी होकर ऑस्कर लूंगी। ज्यादातर लड़कियों के लिए यह शादी होता है, मेरे लिए ये ऑस्कर है। उन्होंने कहा, वास्तव में सवाल ये था कि क्या आप शादी के दिन के बारे में सपने देखते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उस दिन का सपना देखती हूँ जब मुझे ऑस्कर मिलेगा। मैं उसके लिए क्या पहनूंगी, स्टेज पर कैसे चलूंगी, उम्मीद है कि मैं स्टेज पर गिरूंगी नहीं, और कैसे स्पीच दूंगी, मैं किसका धन्यवाद करूंगी, ये सब चीजें। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह वास्तव में सरल है, क्योंकि मैं उस दिन का सपना नहीं देखती जिस दिन मेरी शादी होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे शादी से कोई समस्या है, लेकिन यह मेरा एक बड़ा सपना है। मैं बता दे, आलिया अगली बार ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी। उन्होंने इसी साल 14 अप्रैल को रणवीर सिंह के साथ उनके मुंबई स्थित घर पर शादी की। शादी 2 दिनों तक चली थी, जिसमें केवल करीबी परिवार के सदस्य और बहुत कम इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे। खैर, उस खबर में तो बस इतना ही। आलिया की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा।